दोस्तों, अगर टाइटल और थंबनेल देखकर आपको लग रहा है कि ये वीडियो सिर्फ फुटबॉल फैंस या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि ये वीडियो उन सभी आम मेहनतकश लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जो पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं। ये वीडियो सबूत है कि ग्रेटनेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं होते, बल्कि पर्दे के पीछे, कैमरे से दूर, कड़ी लगन और मेहनत, बहुत सारी मेहनत होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानिए कि कैसे एक गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बन गया। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिकल लैंड की इस नई वीडियो में। यह है दुनिया का सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी, नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप में से कई शायद इन्हें ना जानते हो, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल पसंद करने वाले सभी लोग भगवान से कम नहीं मानते। आप सभी को ये जानकर झटका लगेगा कि रोनाल्डो फुटबॉल खेलकर सालाना 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाते हैं। जी हाँ, 700 करोड़, वो भी एक साल में। लेकिन आप ये नहीं जानते कि शोहरत के शिखर पर बैठे इस शख्स का बचपन टपकती टिन की छत के नीचे गुजरा था। आज मैं आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी के उन पहलुओं के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में शायद आपको जानकारी ना हो। सबसे पहले जानते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन है। इनका जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के शहर अंचल में हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस है। रोनाल्डो के पिता अमेरिकन एक्टर और फिर बाद में प्रेसिडेंट बने रोनाल्ड रीगन के बहुत बड़े फैन थे। उन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने बेटे को रोनाल्डो नाम दिया। क्रिस्टियानो पुर्तगाल के नागरिक हैं और फिलहाल जुवेंटस फुटबॉल क्लब की तरफ से खेलते हैं। रोनाल्डो पुर्तगाल की नेशनल फुटबॉल टीम के कैप्टन भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई इतनी ज्यादा है कि वह अरबों के बंगलों में रहते हैं, दुनिया के सबसे महंगी गाड़ियों में सफर करते हैं। लेकिन आप सभी को ये बात जानकर हैरानी होगी कि हमेशा से क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी ऐसी नहीं थी। रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचने का ये सफर किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में रोनाल्डो टिन वाली छत के घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। रोनाल्डो के परिवार में उनके अलावा माता पिता, दो भाई और एक बहन भी थी। एक साधारण से परिवार में जन्मे रोनाल्डो के पिता पुर्तगाल में ही नगर निगम में माली का काम किया करते थे। वह पार्क में पौधों की कटाई छटाई और पानी डालकर उन्हें हरा रखने का काम करते। छोटी उम्र से ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत ज्यादा लगाव था। रोनाल्डो की खेल में इस तरह के लगाव को देखकर मात्र 8 साल की उम्र में ही क्रिस्टियानो को एंडोरिना स्पोर्ट्स क्लब में चुन लिया गया। रोनाल्डो की माता का नाम मारिया है। मारिया बचपन में रोनाल्डो को क्राई बेबी बुलाती थी, क्योंकि क्रिस्टियानो जब भी अपने बचपन में फुटबॉल खेला करता और हार जाता या फिर मैदान में अच्छा स्कोर नहीं बना पाता तो वो मैदान के बीच में ही रोना शुरू कर देता था। क्रिस्टियानो स्कूल में क्लास से ज्यादा फुटबॉल ग्राउंड पर मिलता था। फुटबॉल के खेल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब ने अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट्स क्लब में चुने जाने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपने पहले ब्रेक के लिए हमेशा अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रेंट्रो के शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा कुछ यूं था कि रोनाल्डो और एल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल्स उनके ट्रायल लेने आए तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज्यादा गोल करेगा उसे हम अपनी एकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें पहला गोल रोनाल्डो ने और दूसरा गोल उनके ही दोस्त एल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस कर दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट बॉल को अकेले ही गोलकीपर के पार लेकर जा चुका था। गोल के लिए सिर्फ उसे फुटबॉल को हल्का सा पुश करना था, लेकिन उसने गोल नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को पास किया, जिससे रोनाल्डो ने ये गोल मारा और एकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब एल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बहुत बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी है। एल्बर्ट और रोनाल्डो की दोस्ती इस इंसिडेंट के बाद मजबूत हो गई और वो आज तक दोस्त हैं। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े अधिकारियों ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन कर लिया। ये क्लब पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में था और इसी कारण रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे परिवार का साथ छोड़कर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में रहने जाना पड़ा। अपने परिवार को छोड़ के जाने का रोनाल्डो को बहुत ज्यादा दुख हुआ। जब रोनाल्डो 15 साल का हुआ तब इनके माता पिता को पता चला कि रोनाल्डो के दिल में परेशानी चल रही है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिल में एक बड़ी गड़बड़ी है। इसी कारण से डॉक्टर ने रोनाल्डो को ज्यादा दौड़ दू और फुटबॉल खेलने से मना कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि या तो रोनाल्डो के दिल की सर्जरी करनी होगी या फिर उन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना बंद करना पड़ेगा। 8 से 10 घंटे फुटबॉल फील्ड में बिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल ना खेलना कतई मंजूर नहीं था। इसी कारण उन्होंने दूसरा विकल्प चुना,
और डॉक्टर से अपने दिल की सर्जरी करने को कहा। इस सर्जरी में जान जाने का भी खतरा था। सर्जरी से रिकवर होने के बाद रोनाल्डो फिर से फुटबॉल खेलने के लिए तैयार हो चुके थे। इसी बीच क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख आया, जब शराब पीने की लत के कारण उनके पिता की मृत्यु हो गई। इस घटना ने रोनाल्डो को हिलाकर रख दिया, क्योंकि रोनाल्डो अपने पिता के ही सबसे ज्यादा करीब थे। शराब की वजह से पिता की मौत के कारण आज तक कभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। उनके पिता ही घर के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे, जिनके चले जाने के कारण क्रिस्टियानो रोनाल्डो के घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होने लगी। रोनाल्डो की माँ मारिया को दूसरों के घरों में जाकर खाना बनाकर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ रहा था, लेकिन रोनाल्डो ने इन सभी तरह की परेशानियों से जूझते हुए अपने फुटबॉल के खेल को जारी रखा। लगातार कठिन परिश्रम के दम पर आगे जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभरे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल खेलने के कारण इस गेम से क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत फायदा हुआ। सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर में साइन किया। इसी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे महंगे टीनेजर फुटबॉल खिलाड़ी बन चुके थे। हालांकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की थी, लेकिन उन्हें नंबर 7 मिला, जो अभी भी उनकी जर्सी का नंबर है। मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने एफए कप में जीत के साथ शुरुआत की, और फिर लगातार 3 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 1 चैंपियंस लीग टाइटल और 1 फीफा क्लब वर्ल्ड कप भी टीम को जिताया। 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड से 132 मिलियन डॉलर देके अपनी टीम में शामिल कर लिया। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए तब तक का सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉल एसोसिएशन ट्रांसफर था। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से 2015 तक का था, और इस दौरान भी रोनाल्डो की गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती ही गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती, जिसमें 2 ला लीगा टाइटल्स और 4 चैंपियंस लीग टाइटल्स शामिल हैं। फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने 100 मिलियन पाउंड्स में साइन कर लिया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए ये फुटबॉल की हिस्ट्री में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी लाइफ में उन्हें कई टाइटल्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने उन्हें बेस्ट पोर्चुगीज फुटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम का खिताब दिया। 2016 और 17 में रोनाल्डो वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट थे। वो टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो एकमात्र ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 चैंपियंस लीग टाइटल्स जीते हैं, 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आप सभी को ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, वह अपने पैसों को सामाजिक कल्याण के लिए भी खर्च करते हैं। कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अकेले अपने दम पर एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, जिसमें 600 से ज्यादा बच्चों का खर्चा वे खुद उठाते हैं। नवंबर 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट ऑक्शन किया था, और इस ऑक्शन से हुई 13 करोड़ रुपए की कमाई को रोनाल्डो ने गीजा में स्कूल्स बनाने के लिए डोनेट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिगरेट शराब से दूर रहते हैं, और उन्होंने अपने शरीर पर टैटू सिर्फ इसलिए नहीं बनवाए क्योंकि वो एक रेगुलर ब्लड डोनर है। ये कमाल का शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ सबसे रईस लोगों में भी शुमार है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सफलता उस मुकाम तक पहुंच चुकी है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का सपना होता है। किसी ने सही कहा है कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो उस दिन समझ जाइएगा कि आप सफलता के मुकाम को छू चुके हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं, कड़ी लगन और मेहनत करके आप भी सफलता के शिखर तक पहुंच सकते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से हम यही सीखते हैं। इसी संदेश के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप सभी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जिंदगी से कुछ इंस्पिरेशन मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। कोई सुझाव या शिकायत हो तो नीचे कमेंट करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस भी। चैनल पे कितनी अमेजिंग तरीके से और इतनी प्यारी आवाज थी, हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक। अरे अभी मैंने कल ये पर्सनल पढ़ा था, देखो मतलब बचपन से हूं मैं रोनाल्डो की। Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all in my cell. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well.